क्या हुआ? चल रही है नहीं साहब? क्यों चुप होगी जयती माता, क्यों चुप होगी? ऋषि दयानंद जैसे योगी, ऋषि दयानंद जैसे योगी, जादू फेर अरे भाई मोदी जी कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है, कहते हैं ना, आप बोलो 56 इंच का सीना, और मैं कहता हूँ 56 इंच का सीना फाड़ देंगे, कांग्रेस का झंडा फाड़ देंगे। एक बार ओहो पुष्पा मुकेश, महात्मा गांधी जी के विचारों को साबरमती से चलकर और आज दिल्ली के अंदर राजघाट पे पहुंचेगी। देश के अंदर जो तानाशाही बीजेपी के सरकार ने बीजेपी की सरकार ने तो जब से गौरव यात्रा का दिल्ली में स्वागत हो रहा है, जो गांधी धाम से निकली गुजरात से चलकर और राजघाट पर पहुंचेगी। दिल्ली में उनका जोरदार स्वागत है ढोल नगाड़ों के साथ। उस यात्रा में हम शामिल हैं और दिल्ली के हर विधानसभा में पहुंचेगी, हर विधानसभा से जाते हुए जोड़ने की यात्रा है। इस यात्रा को हम सफल बनाएंगे और संदेश देते हैं कि देश के टुकड़े टुकड़े ना हो, देश को एक जुटता से जुड़े और ये जुड़कर एक देश बने। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, दिस देश आज ये संदेश गौरव यात्रा साबरमती हमारे महात्मा गांधी जी जिन्होंने अंग्रेजों को भजाने का काम किया, आज ये गौरव यात्रा एक संदेश देश के हर मजदूर को, देश के हर किसान को, देश के हर व्यापारी को और आने वाली पीढ़ी को, जो बच्चे आज 10-15 साल के हैं, आज 20 साल के हैं, 25 साल के हैं और बीएससी बीएड कर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है, किसानों के साथ अत्याचार, ये बीजेपी की सरकार आए दिन करप्शन, महंगाई की मार, दिल्ली के अंदर बलडोजर, जो एक बीजेपी के सरकार ने एक तानाशाही सरकार दिल्ली के अंदर देश के अंदर एक माहौल ख़राब किया है। आज हम एक गौरव यात्रा के द्वारा
एक देश को संदेश देने का काम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने इंदिरा गांधी जी ने जो अभी अब हमारे सामने हमारी जिलाध्यक्ष पुष्पा जी आएंगी और अपने विचार रखेंगी। पुष्पा जी लो, यात्रा यहाँ पर पहुँच चुकी है दिल्ली में। आज उनके आगमन पर हम उनका स्वागत कर रहे हैं। ये यात्रा दिल्ली में 2 दिन अलग अलग क्षेत्रों तक पहुँचेगी और आखिरी में 1 जून को समापन करेगी राजघाट। 75वें साल आज़ादी के हुए हैं, आज उसी के जश्न में ये यात्रा गुजरात से चल के आ रही है, राजस्थान, हरियाणा और अब दिल्ली। इसी उम्मीद के साथ कि जो लॉ लगाई थी पूर्वजों ने, जो इस लॉ को जलाया था, जो चेतना जगाई थी, आज़ाद भारत की एक उम्मीद लगाई थी, आज उसको वापस जिंदा करना ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग आज़ादी के मायने नहीं जानते हैं, आज वही सत्ता पे कायम है, तो उन सत्तारूढ़ी लोगों को जगाने का प्रयास और लोगों में वापस से उन सब पूर्वजों को एक तरह से सल्यूट करने का काम इस यात्रा के द्वारा सेवा दल ने किया। ये हमारे बीच जो अनिता धवन जी है, मैम नमस्ते। नमस्कार जी। तो मैम ये बताएं कि आज तो बहुत सारे यहाँ पर कार्यकर्ता है और ये जो गुजरात से जो चलकर जो राजघाट तक जो ये आपका जो गौरव यात्रा जो आ रहा है, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है मैम? देखिए, इस यात्रा का उद्देश्य है कि 75वें साल में हम लोग हैं आज़ादी के, और उस आज़ादी का जश्न हम सब जब बनाते हैं तो उसके साथ साथ जिम्मेदारी का भी एहसास करते हैं, और ये यात्रा उसी का ही चिन्ह। पुष्पा जी आप बोलेंगे बाद में, तो आगे आगे निकल जाएंगे। आप लोग बीच में से निकल जा रहा।
देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।